हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दुबे को पकड़ने गए बिठूर के एसओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह भी उस हमले में घायल हुए थे। कौशलेंद्र प्रताप ने खुद बताया है आखिर उस रात क्या हुआ था। उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे एसओ सोबेपुर द्वारा फोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे हैं तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। जी ही हम लोग पैदल पहुँचे हैं तो रास्ते में उसने एक JCB लगा के रखी थी पहले से, वो JCB लगा कर रखी तो वहाँ से हम लोग जो है एक एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। क्योंकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है दो लोगों को, मेरे साथ जो दो लोग थे, एक अजय सेंगर अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी। तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम और टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी, शायद इसी वजह से जो है उनके साथ ही इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी के सबसे कारण एक ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था, हमारे जरा से मोमेंट पे वो हमारे ऊपर। 5 मिनट बाद कोरोना काल में बदलते शहरों की कहानी, शहर वही जिंदगी नहीं।